हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंशिया ब्रेनरी। हम सभी जानते हैं कि जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है दैट इज अफेक्टिंग एवरीवन फ्रॉम ह्यूमन टू वाइल्ड लाइफ। सो इन दैट कंटेक्स्ट अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें रिगार्डिंग द अर्बनाइजेशन, तो हो क्या रहा है, जो अर्बन एरियाज हैं दे आर एक्सपेंडिंग वेरी रैपिडली एट द एक्सपेंस ऑफ नेचुरल एंड रूरल हैबिटेट्स। और अगर हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इसकी बात करें, तो इसको हम अगर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो फास्ट रैपिडली ग्रोइंग अर्बनाइजेशन है, मीन्स ये जो अर्बन एनवायरनमेंट है एक्चुअली दैट इज प्रेजेंटिंग सम नोवेल चैलेंजेस टू द वर्ड्स। मीन्स जो हमारे पक्षियों की स्पीसीज हैं जितनी भी, तो उनके लिए एक तरह से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनके सामने ड्यू टू दिस अर्बनाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ चैलेंजेस की, तो देयर इज इंसिडेंस ऑफ नोवल डिजीजेज, नोवल फ्लोरा, न्यू फ्लोरास, न्यू प्रीडेटर्स, ह्यूमन प्रेजेंस, देन हाई लेवल ऑफ केमिकल, लाइट एंड एक्यूस्टिक पॉल्यूशन मीन्स साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, सो इन दिस कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारी मोस्ट यूबिक्यूटस और सोशेबल जो बर्ड स्पीसीज है, जिसको कि हम हाउस स्पैरो के नाम से जानते हैं, जो हमारी गौरैया चिड़िया होती है। ठीक है, तो जो हाउस स्पैरो है तो डेट हैज बीन अफेक्टेड मोस्ट ड्यू टू दिस अर्बनाइजेशन। हमें पता है कि ये जो मोस्टली सोशल बर्ड है, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड इट इन द अर्बन एरियाज, इन द सोशेबल है। ठीक है, तो सोशल बर्ड है तो जहाँ पे ह्यूमंस प्रेजेंस के साथ एक को हैबिटेट करती है एक्चुअली। ठीक है, तो बट एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली कि इसकी पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। और चाहे हम बात करें यूरोप की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें या दूसरी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की बात करें जहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, तो और इसका जो मेन रीजन है तो इसमें जो पोल्यूशन का जो फैक्टर है ना एक्चुअली उसमें डेट इज द मेन ड्राइवर, जो पोल्यूशन है। ठीक है, तो इन दिस कंटेक्स्ट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एफर्ट्स वी आर डूइंग फॉर ब्रिंगिंग दिस हाउस स्पैरो बैक, ओके, एंड हाउ दिस हाउस स्पैरो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये जो है इट आल्सो एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर फॉर द हैवी मेटल पोल्यूशन स्पेशली, ओके। सो इट इज आल्सो एज ए एक्ट एज ए बायो मार्कर और बायो इंडिकेटर की तरह भी काम करती है। ठीक है, सो इन दैट कंटेक्स्ट आल्सो इट इज बेनिफिशियल। एंड दूसरी बात करें तो फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका कनेक्शन है, दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट हैज सम बेनिफिट्स। सो डेट्स वाई इट इज एसेंशियल टू कंजर्व दिस स्पीसीज, ऑल्दो जो आईयूसीएन की कैटेगरी में देखें तो इट इज अंडर द लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, बट स्टिल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स बर्ड स्पीसीज, वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल बर्ड स्पीसीज एंड वी नीड टू मेक द एफर्ट्स टू कंजर्व दिस स्पीसीज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एक्चुअली भाई, इट इज इन न्यूज रिसेंटली एंड बट हैज बीन डन टिल नाउ, ओके। सो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ न्यूज़ में भी बहुत सारी न्यूज़ मीडिया ने इसको, न्यूज़ चैनल ने या न्यूज़ जो हमारी वेब ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, या मैगजीन्स हैं, उन्होंने इसको कवर किया है कि ऑन द 20th of March, अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड स्पैरो डे, ओके, ऑन 20th of March। ठीक है, तो इन दिस कंटेक्स्ट बहुत सारे इसके रिगार्डिंग इसके आर्टिकल्स सामने आए थे। तो यू कैन सी दैट ब्रिंगिंग द हाउस स्पैरोज बैक होम और इज द सोशेबल हाउस स्पैरो इज फाइनली मेकिंग ए कमबैक एंड आर स्पैरोज रियली ड्विंडलिंग इन नंबर्स एंड एनवायरमेंट मॉनिटरिंग एंड एक्शन इनिशिएटिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर हाउस स्पैरो पॉपुलेशन सर्वे। ठीक है, सो बहुत सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया इसको कवर कर रहे हैं और एक्चुअली ऑन द ओकेजन ऑफ स्पेशली इट वाज ड्यू टू द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे and in light of importance of this bird species, okay, so you can see that ये अगर हम बात करें तो ये जो हाउस स्पैरो है ना, ठीक है, हम आप सभी ने भी अपने घरों के आसपास देखा होगा इसको। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो अभी तो नहीं, अभी तो बहुत कम इसको देखने को मिलता है इन द अर्बन एरियाज में, बट इन रूरल एरियाज स्टिल यू कैन फाइंड दिस, ओके। तो अर्बन एरिया, इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी मतलब आज से 4-5 साल पहले की बात करूँ तो ये बहुत सारा मतलब इनकी स्पीसीज जो है स्पैरो जो है काफ़ी क्वांटिटी में मतलब काफ़ी नंबर्स में ये जो पाई जाती थी हमारे घर के आसपास भी मतलब गांव में भी। ठीक है, बट पिछले कुछ 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड इवन ए सिंगल बर्ड, ओके। तो अभी हालांकि लास्ट ईयर की बात है कि मैंने एक वर्ड देखा था एक्चुअली इसका, तो उससे बहुत सालों के बाद मैंने इसको, मैं कह सकता हूँ कि लगभग 4-5 साल के बाद मैंने इसको देखा था अलग, बट वो भी एक ओकेजनली था, उसके बाद फिर दोबारा नहीं देखी। तो अगर हम बात करें तो सभी ने भी होपफुली कि इसको इस हाउस स्पैरो को देखा हो, जिसको हम गुरैया चिड़िया के नाम से भी जानते हैं, और इसकी बहुत सारी स्पीसीज भी हैं जो इसी की तरह ही हैं। तो ठीक है, जीनस सेम है पैसर, बट स्पीसीज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो हाउस स्पैरो है एक्चुअली इट इज मोस्ट यूबिक्यूटस एंड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड है। ठीक है, मतलब ये एक तरह की वाइड स्प्रेड इसके अक्रेंस है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पाई जाती है इन द डिफरेंट एरियाज हैं। एंड मोस्टली अगर बात करें तो ये अर्बन एरियाज में मतलब को हैबिटेट करती है ह्यूमंस को। ठीक है, तो एक्चुअली और बट रिसेंटली इट हैज बीन देयर इज ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन इट्स पॉपुलेशन इन द अर्बन सिटीज़ में, स्पेशली इन द फास्ट फ्यू डेकेड्स की बात करें। अगर हम पिछले 2-3 डेकेड्स की भी बात करूं तो मैं इसकी जो पॉपुलेशन है एक्चुअली सिग्निफिकेंटली जो इसकी पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली। तो अगर आप देखें तो द हाउस स्पैरो इट वाज यूबिक्यूटस इन द सिटीज टिल द 1970s, बट फ्रॉम द 1976 ये देखा गया कि इट्स पॉपुलेशन जो है इट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड Now it is very difficult to sight this house sparrow in the cities actually, okay? जो ये बर्ड वाचर्स हैं या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, एंड वो ये कह रहे हैं कि इसका जो मेन रीजन है दैट इज एक्चुअली पोल्यूशन है, ओके, एंड इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं कि इसके क्या रीजन है, क्यों इसकी जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रही है। तो अगर मैं इसकी स्पीसीज की बात करूँ इंडिया में दिस हाउस स्पैरो ही है ये सारी, बट इसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो ये जो मेन है दैट इज हाउस स्पैरो, दैट इज पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है, इंडियन हाउस स्पैरो, ओके। उस तरह दूसरी एक स्पेनिश स्पैरो है दैट इज पैसर हिस्पैनियोलेंसिस, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज हैं। देन सिंड स्पैरो है, यूरेशियन ट्री स्पैरो है दैट इज पैसर मोंटेनस, ठीक है, देन रजर्ट स्पैरो है पैसर रूटिलेंस, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट स्पीसीज हैं इसकी हाउस स्पैरो की, आपको एक जैसी ही दिखती है ऑलमोस्ट देखने दूर से अगर आप देखेंगे तो, बट दे आर डिफरेंट स्पीसीज हैं, ओके। सो अगर अभी कंटेक्स्ट ये है कि क्या रैली में हाउस स्पैरो के जो नंबर है उसमें कमी आ रही है, इज रियली द हाउस स्पैरो इज वैनिशिंग फ्रॉम आवर स्काईज, ठीक है, बट कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि ऑल्दो नाउ इट इज डिफिकल्ट टू साइट दीज हाउस स्पैरोज इन द अर्बन एरियाज में, हमारी जो सिटीज के एरिया में, बट इसका जो एक्चुअल नंबर है दैट इज स्टेबल, मतलब उसमें एक्चुअली कोई कमी नहीं है। एक्चुअली दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द अर्बन सिटीज टू नाउ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, चाहे वो रूरल एरियाज हो या विलेज एरियाज हो, ठीक है। सो एक अगर हम IUCN की बात करें तो हालांकि IUCN की रिपोर्ट के अनुसार तो ये जो हाउस स्पैरो है हमारी पैसर डोमेस्टिकस है या दूसरी स्पीसीज है दे कम अंडर द दिस लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती हैं जो ग्लोबल रेड लिस्ट है, बट इसकी जो प्रेजेंस है इट हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन आवर इकोलॉजी, ठीक है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है, चाहे ह्यूमन हो चाहे वर्ल्ड इकोलॉजिकल लाइफ हो हमारी, ओके। तो इन दिस कंटेक्स्ट अगर इसको कंजर्व करने के लिए ही इसकी थ्रू मतलब टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस कंजर्वेशन ऑफ दिस हाउस स्पैरो, ये जो हैं एक्चुअली श्री मोहम्मद दिलावर, ठीक है, सो ही फाउंडेड ए सोसाइटी, ठीक है, इन एक्चुअली दैट इज नेम्ड एज नेचर फॉर एवर सोसाइटी, ओके। तो बेस्ड ऑन हिज एफर्ट्स एक्चुअली दिस सोसाइटीज एफर्ट्स नेचर फॉर एवर सोसाइटी NFS एंड दे वर्ल्ड का जो फर्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे है वो सेलिब्रेट किया गया इन 2010, ठीक है। सो इट एक्चुअली ये पॉसिबल हुआ विद द एफर्ट्स ऑफ मोहम्मद दिलावर हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ नेचर फॉर एवर सोसाइटी, ओके, दिस पर्सन, ओके। So from that day, from the 2010, the World Sparrow Day is celebrated every year on 20th of March को, ठीक है, to raise the awareness on the house sparrow, ठीक है, and which is majorly considered as a domestic bird, and actually its main purpose is to raise the awareness and protect this domesticated bird, okay, which is now declining due to the increasing pollution or other factors or urbanization etc, okay. so अगर हम इसके different factors की बात करें which is mainly responsible for its decline in its population, so लगभग बात करें तो अगर with about 2 decades ago, ठीक है, the chirp of house sparrows was a familiar sound in the urban neighborhoods, मतलब इन द 2 decade की बात करें तो यू कैन सी इन द अर्बन सिटीज में, अर्बन नेवरीज हमारे हाउस के हाउस होल्ड में, ठीक है। सो इनकी जो साउंड थी, चर्पिंग की जो साउंड थी, डेट वॉज ए फैमिलियर साउंड, ओके, बट नाउ एट इज इट्स declining actually, means I can say that it's vanished actually, okay. So over the years this species it has vanished from the urban areas due to lack of main reason क्या है, एक तो lack of nesting sites, मतलब घोंसले कहाँ पे बनाए इनको, एक तो बहुत जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आजकल जो हाउसेज का या बिल्डिंग्स का वो भी चेंज हो गया है, जो उसका पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो वन रीजन इज lack of nesting sites and the food and the rise in प्रेजेंस ऑफ द पीपल, ठीक है। देन इंक्रीज इन अर्बेनाइजेशन, जो ऐसा कि हम बात कर रहे थे, रैपिड अर्बेनाइजेशन जो हो रहा है एक्चुअली दैट इज रिजल्टिंग इन द मींस लॉस ऑफ द हैबिटेट, देयर नेचुरल हैबिटेट, ओके। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्पैरोज दे आर आल्सो डिक्लाइनिंग इन द अर्बन एरियाज, ओके। दूसरा बात है कि जो अर्बेनाइजेशन हो रहा है तो नेचुरली बात है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है वो कम हो रहा है, क्योंकि एवरीवेयर यू आर सीइंग द बिल्डिंग, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट कम हो रहा है, दूसरी फील्ड क्रॉप्स या दूसरी क्रॉप्स हैं वो भी कम हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो है ये स्पैरोज जो है एक्चुअली फीड करती हैं मेजरली, हालांकि इंसेक्ट के ऊपर भी करती हैं और ग्रेन क्रॉप्स के ऊपर भी करती हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल उस पर भी हैबिटेट पे भी डिपेंड है, तो वो भी एक रीज़न है इसका। तो स्पैरोज आर एक्चुअली इंसेक्टिवोर्स हैं, ठीक है, बट दे आल्सो थ्राइव मेजरली ऑन द ग्रेन्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो हम मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल रेवोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो जो आफ्टर 1970 के बाद 1990s के बाद ही आया एक्चुअली, तो उसके बाद के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, जो मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलती हैं, दे आर आल्सो अफेक्टिंग द दिस पॉपुलेशन ऑफ दिस हाउस स्पैरो इन द अर्बन एरियाज, ओके। एंड दूसरा एक और रीज़न की बात करें तो दैट इज़ द, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कंस्ट्रक्शन मॉडल जो है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता है कि जो अर्लियर रूफ सिस्टम इट वाज मेड अप ऑफ यूजिंग द ब्रिक्स एंड द वुडन बीम्स और टेराकोटा टाइल्स, ओके, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, बट अभी क्या हो रहा है कि दैट कंस्ट्रक्शन एट हैज बीन माइग्रेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल टू आरसीसी सीमेंट जो है उसकी तरफ माइग्रेट हो गए हैं, जो रूफ बना रहा है भी बनाते हैं हम बिल्डिंग्स में, ठीक है। सो एक्चुअली इट प्रिवेंट्स द बर्ड्स फ्रॉम बिल्डिंग देयर नेस्ट and this has caused a large scale migration from the urban areas for this particular house sparrow species, okay. And another major factor is pollution, theek hai, we know that now the anthropogenic climate change, different kind of types of pollutions hai, heavy metal incidents, okay, particulate matter hai, theek hai, and electromagnetic radiation to hai, they are affecting the and this population of house sparrow drastically, okay. And the rampant, another thing is the rampant use of chemical fertilizers and pesticides is also another reason, okay. So you can see that this is that अभी इसी साल का लास्ट मंथ का ही आर्टिकल है, फेब मंथ का ही, द अर्बन हाउस स्पैरो पॉपुलेशन डिक्लाइन इन नॉर्थ अमेरिका, तो मतलब नॉर्थ अमेरिका में भी इसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है, ठीक है, अभी ये तो लास्ट मंथ का ही आर्टिकल है, ओके। सो वट कुड बी द वे फॉरवर्ड, मतलब वट स्टेप्स वी कैन टेक एंड वट स्टेप्स हैड बीन टेकन, ओके। तो यू कैन सी दैट कि जो सिटीजन मूवमेंट जो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कैंपेनिंग टू रेज द अवेयरनेस, ओके, तो उसके रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ द स्पैरोज, ओके। तो एक एस्पेक्ट तो वो है, ठीक है, मीन्स एक मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में कि हमें उनके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो बनाएं, ठीक है, चाहे वो हमारे हाउस होल्ड के होम हो या नियर नेचुरल हैबिटेट हो, तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे वो अपना घोंसला बना सकें, नेस्टिंग कर सकें, ठीक है, वहाँ पे वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, तो मतलब एक उनको हेल्दी एनवायरनमेंट दें, मतलब दैट इज़ आवर मोरल ड्यूटी नाउ, ओके। और वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि जैसे माइंड सेट होगा तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि एक तो हमें लार्ज स्केल हैबिटेट बनानी है नेटिव प्लांट स्पीसीज़ के, जिनके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जो नेटिव प्लांट स्पीसीज़ अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, तो इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो हाउस स्पैरो है ये उनके ऊपर फीड करती है, तो नेचुरली बात है कि इनको एक तरह से फूड सोर्स मिल रहा है तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है, ठीक है, एक एस्पेक्ट तो ये हो सकता है, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट कि रिसेंटली हम देखा होगा कि जो एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग एंड एक्शन इनिशिएटिंग जो है एजेंसी है, इन्होंने एक्चुअली एक सर्वे लॉन्च किया है, ठीक है, रेस टू स्पॉट आवर स्पैरोज, तो मतलब एक सर्वे कैंपेन लॉन्च किया मैंने, इन्होंने अभी एक रेस टू स्पॉट आवर स्पैरोज, एंड जिसमें कि क्या होगी जो पार्टिसिपेंट जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे इसको स्पैरोज को इन देयर एरियाज में, एंड दे विल टेक द पिक्चर्स एंड दे विल शेयर इट दिस विद दिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। दूसरी बात है कि इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि स्पैरोज को कंजर्व, स्पैरोज दे आर फार्मर फ्रेंडली हैं, ह्यूमन फ्रेंडली हैं, वर्ड्स हैं। हमें पता है कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, आपने देखा हुआ हमारे हाउस होल्ड में, ठीक है। तो एक सोशल बर्ड है, ठीक है। बट दे हेल्प इन द पोलिनेशन आल्सो, पोलिनेशन ऑफ द प्लांट्स, एंड दे हेल्प द फार्मर्स आल्सो। कैसे? पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स में मतलब एक तरह से डाइवर्सिटी बनाने में, कंजर्व करने में भी हेल्पफुल है। दूसरा फार्मर के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करती हैं, हार्मफुल जो इंसेक्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो बाय दैट वे दे आर हेल्पफुल फॉर द एनवायरमेंट आल्सो, इकोलॉजी आल्सो, फार्मर्स आल्सो, ओके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय ब्रिंगिंग देम बैक वी विल सेफगार्ड आवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर विद ए ग्रीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है। एक और एस्पेक्ट है कि जो स्पैरोज जो होते हैं, ये जो है स्पैरो दे आल्सो फीड ऑन द मॉस्किटोज एंड they are particularly good at keeping them away since both sparrows and mosquitoes they have tended to grow around the humans over the time, okay, so we can say that they keep us safe from the various vector borne diseases, okay. So now another aspect is ki bhai sparrow is also considered as a bioindicator, theek hai, matlab isko ek bioindicator hai, biomarker kyun kaha jata hai, theek hai, फॉर द पोल्यूशन के लिए स्पेशली, ओके। तो आप देख सकते हैं जो हाउस स्पैरो है दे मे बी यूज्ड एज ए इकोलॉजिकल इंडिकेटर ड्यू टू इट्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन माइग्रेटरी स्टेटस एंड इट्स एसोसिएशन विद एंथ्रोपिक एरियाज। मतलब एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन एरिया, अर्बन एरियाज में रहता है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली कि अगर हम इसको किसी भी स्पीसी को, अगर हमें बर्ड को जैसे बायो इंडिकेटर यूज करना है, ठीक है, इफ वी वांट टू यूज द वाइल्ड बर्ड्स to be as the bioindicators, so first of all we need to assess the environment impact on them, ठीक है। तो मतलब इसका environment contamination का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो firstly we need to study that thing, okay, means जो pollution burden हो रहा है या toxicity जो बढ़ रही है environment में due to heavy metals, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस bird species पे, जो whatever the bird species we are using as a bioindicator, okay। तो अगर हम बात करें तो इस host species की, human typically human कमेंसल स्पीसीज जो हाउस स्पैरो डेट इज सोशल एनिमल है, जैसे कि एक से एक बात कर डिफरेंट स्पीसीज बता कर, एक यूरेशियन टी स्पैरो है, ठीक है, जो कि इसी की स्पीसीज है, ठीक है। तो एक स्टडी में ये बताया गया कि इट इज टॉलरेंट, ऑल्दो इट इज टॉलरेंट टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ओके, एंड इन द कल्टिवेटेड एंड बिल्ट अप एरियाज बट स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, बट रिसेंटली डिक्लाइन हैज बीन सीन, ओके, इन इट्स पॉपुलेशन ड्यू टू द राइज इन पॉल्यूशन, ओके। तो जहाँ पे ये पाया गया कि स्पैरोज इन द जो पोल्यूटेड एरिया जहाँ पे हाई पोल्यूशन है, वहाँ पे दे हैव द हायर लंग पार्टिकुलेट मैटर्स एंड फैदर हैवी मेटल डिपोजिशन। वहाँ पे उनके लंग्स में पार्टिकुलेट मैटर जो है वो भी ज़्यादा कंसिडरेशन थी, और जो उनके फैदर में हैवी मैटर का डिपोजिशन था वो भी ज़्यादा था, ठीक है। तो एक तरह से जो पोल्यूटेड एरिया में जो स्पैरोज थी, ठीक है, स्पैरोज थी जब इस स्टडी में पाया गया, तो दे एग्जिबिटेड रिड्यूस्ड इम्यून एंड एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज। तो उनकी जो इम्यून कैपेसिटीज, इम्यून सिस्टम था वो भी वीक था, और सेकंड थिंग जो उनके में इनके अंदर इम्यून सिस्टम में जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है दैट आल्सो रिड्यूस्ड एक्चुअली ड्यू टू दिस पोल्यूशन, ठीक है। एंड दे वर आल्सो हैविंग द एनीमिया, ठीक है, जो हाउस स्पैरोज थी फ्रॉम द पोल्यूटेड एरियाज की, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पर जहाँ मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे उनका पॉपुलेशन कम होगा, नेचुरली बात है। तो वहाँ पे इन अफेक्ट्स को इन जो स्टडीज करके हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप का पोल्यूशन है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हाउस स्पैरोज है दैट इज ए गुड बायो इंडिकेटर ऑफ द एक्सपोजर टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाउ कैसे कि अगर हम बात करें तो हाउस स्पैरोज की इन अर्बन एरियाज में बात करें तो इस क्या इफेक्ट पड़ेंगे जो पोल्यूशन, हाई पोल्यूशन एरिया में होंगे, जैसे कि पोल्यूशन कौन से, जो लेड स्पेशली एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हैवी मेटल पोल्यूशन जैसे कि कैडमियम है, लेड है, ओके, और इस तरह के, ठीक है। तो यू कैन सी दैट मोर लंग पार्टिकल रिटेंशन, मतलब ज़्यादा पार्टिकुलर जो पार्टिकुलेट मैटर रिटेंशन थी वो उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा थी। दूसरा जैसे मैं बता ही रहा था कि उनकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो है वो भी कम होगी, ठीक है, और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक होगा, और अनीमिया की प्रॉब्लम थी इनमें स्पैरोज में, ठीक है, जहाँ पोल्यूशन एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे हैवी मेटल पोल्यूशन होगा, कूमुलेशन, और उनके जो फैदर है उनमें जो हैवी मेटल डिपोजिशन था वो भी ज़्यादा था, फैदर की बात करें तो, ठीक है। So by studying these aspects, we can say that these sparrows they are good bioindicator of the environmental pollution, and okay. एंड सेकंड थिंग इज कि हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, हैवी मेटल्स एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर्स हैं विच आर कॉजिंग द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो दूसरा एस्पेक्ट ये भी देखा गया है कि जो पोल्यूशन पोल्यूटेड एरियाज में जो होस्ट स्पैरो है उसमें क्या है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसमें भी कमी आई है, वो भी हिंडर हुआ है एक्चुअली। ठीक है, और जो उनका क्लच साइज एंड फ्लैजिंग सक्सेस है दैट आल्सो डिक्रीज्ड ड्यू टू दिस इंसिडेंस ऑफ हैवी मेटल, ओके, चाहे वो लेड है या कैडमियम है। एंड देयर इज आल्सो डिक्रीज इन नेस्टलिंग ग्रोथ, देयर नेस्टलिंग ग्रोथ रेट एंड ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ हायर लेड एंड कैडमियम लेवल। ओके, सो यू कैन सी दैट हम बता रहे हैं कि चाहे डिफरेंट कैडमियम है, जिंक है, लेड है या कॉपर है, तो इनके इंसिडेंस की देख सकते हैं। तो जो ये एनवायरमेंटल मेटल हैवी मेटल हैं दे हैव अफेक्टेड एवरीथिंग, चाहे वो उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी हो, नेस्लिंग एबिलिटी हो, ठीक है, या उनके फीडर का साइज को हो। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट ये भी देखा गया कि अभी जो उनके ब्लड्स में जैसे कि जो अलार्ड जीन होता है, ALAD जीन होता है, ठीक है, तो ये अलार्ड जीन का होता है कि इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन एंजाइम जिसको कि हम कहते हैं अलार्ड मीन्स डेल्टा अमाइनो लेवुलिनेट डिहाइड्रेटेज। ओके, ये एंजाइम क्या करता है एक्चुअली, ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं हेमी। ठीक है, हेमी, ठीक है, और ये हेमी मॉलिक्यूल क्या करता है, ये सभी बॉडी ऑर्गन्स में के लिए जो हमारा बॉडी ऑर्गन के लिए उसके बहुत ही जरूरी होता है। एंड मोस्टली ये पाया जाता है हमारे ब्लड में, बोन मैरो में, लीवर में। ठीक है, एंड ये इट इज एसेंशियल कंपोनेंट होता है फॉर सेवरल आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जैसे कि हमारा हीमोप्रोटीन्स हैं या हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो मतलब एक तरह कह सकते हैं कि ये एसेंशियल है। ठीक है, एलर्जी है, तो इसमें यह भी पाया गया कि जहाँ पे पोल्यूटेड एरियाज में ये भी पाया गया कि जो स्पैरो में जो ब्लड में जो एलाड जीन की एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो कम थी एक्चुअली। ठीक है, दैट वाज अफेक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एक्टिविटी को जज करके वी कैन से दैट इट इज ए सेंसिटिव बायोमार्कर है फॉर द एनवायरमेंटल लेट एक्सपोजर इन द होस्ट स्पैरोज। एंड ओके, तो फाइनली दिस स्पीसीज कुड बी, हम कह सकते हैं कि दिस स्पीसीज कुड बी considered as a bioindicator for monitoring the urban lead contamination, okay, mainly, ठीक है। So you can see here that in this picture, जैसे हम देखें जब हम हमारे जो these heavy metals जो free radical की डेंसिटी होगी, ठीक है, फ्री रेडिकल की डेंसिटी जो होगी जब ज़्यादा होगी तो जो हमारा मतलब ग्रीन कलर में ये रिप्रेजेंट करता है एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो है, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कह लो, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कह लो या डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये कम होंगे। ठीक है, मतलब तो रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरिया में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फ्री रेडिकल ये इनकी जो इंटेंसिटी कम है, ठीक है, तो पोल्यूशन कम है, तो इनकी जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो है डाइट की वो ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो है कि सब अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे लगभग इक्विवेलेंट नहीं है दोनों पे, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी है, डाइट की क्वालिटी भी सेम तरह लेवल है, बट इन द जो टोटली अर्बन एरियाज में वहाँ पे क्या पोल्यूशन ज़्यादा है, हैवी मेटल इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब फ्री रेडिकल की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है कि जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स है, डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट है, वो कम है। ठीक है, तो दैट इज तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, डाइट कम है, तो डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी भी कम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द होस्ट स्पैरो। ओके, सो विद दिस वी कैन से दैट इन कंक्लूजन दैट डेफिनेटली वी नीड टू टेक द सीरियस एफर्ट्स रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ दिस होस्ट स्पैरोज, दिस सोशल बर्ड। Okay, we need to think means we need to work in harmony with our environment, our nature, and regarding urbanization also, although development is also necessary, but not at the expense of loss of the environment. Okay, and loss of the biodiversity or the wildlife. Okay, so with this I would say thank you, and अगर आपको अच्छा लगा हो तो please subscribe करें, share करें and like करें, and with this I will say thank you, stay happy, stay blessed, and stay safe. Thank you.